एक तरफ जहां पे रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने वनडे सीरीज हार चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया ए की स्क्वाड की बात करूं तो वहां पर इंडिया ए ने बांग्लादेश को एक पारी और 129 रन से टेस्ट मैच में हरा दिया। तो इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के द्वारा, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली जा रही है इंडिया ए के स्क्वाड में। अगर मैं इस पूरे मैच की एनालिसिस करूं, आपको बताऊं कि क्या कुछ हुआ इस पूरे मैच में, तो पहले इस मैच में सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरी यहां पे बांग्लादेश की टीम, जहां पर 252 रन पे ऑल आउट होगी, काफी जल्दी यहां पर ऑल आउट हुई, जहां पे उनके कप्तान मोहम्मद मिथुन वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, मात्र 4 रन पे उन्होंने अपना विकेट गवाया। उसके अलावा बल्लेबाज में सिर्फ शहादत हुसैन और एक जाकर अली, ये दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी। 80 रन की पारी खेली यहां पर शहादत हुसैन ने और जाकर अली ने 62 रन की पारी खेली। और यहां पर गेंदबाज सबसे सीनियर गेंदबाज इस पूरी टीम में भारतीय टीम के पास थे वो थे उमेश यादव। उमेश यादव अपना प्रभाव इतना छोड़ नहीं पाए, बतौर सीनियर गेंदबाज उन्होंने 16 ओवर में 2 विकेट निकाले। और यहां पे गेंदबाजी का यहां पे कमान संभाली मुकेश कुमार ने, उन्होंने 6 विकेट निकाली। काफी प्रोबेबल चल रहे थे, काफी कड़ी जंग थी कि कौन होगा वो गेंदबाज जो मोहम्मद शमी को रिप्लेस करेगा इस इंडियन मेन टीम में, क्योंकि काफी ज्यादा आलोचनाएं हो रही थी कि नवदीप सैनी को मौका मिलेगा या फिर मुकेश कुमार को मिलेगा। लेकिन जो खबर निकल कर आई वो इंडियन उसी खबर पर मोहर लगी और नवदीप सैनी को यहाँ पर टेस्ट टीम में यहाँ पर मौका मिला गया। उसके अलावा अगर मैं पहली पारी में भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करूं तो जयंत यादव ने 2 विकेट लिए। एक और सीनियर गेंदबाज सौरभ कुमार, जिनका अभी अभी हाल ही में भी टेस्ट टीम में दोबारा नाम आया, पहली पारी में ये भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे। 17 ओवर में बिना विकेट खोए उन्होंने 57 रन खर्चे थे। फिर जब भारतीय टीम के बल्लेबाजी की बात आई तो भारतीय टीम ने लगा दिया रनों का अंबार। 252 रन के इस भारतीय बांग्लादेश की पारी के इस जवाब में भारतीय टीम ने लगाए बोर्ड पे 562 रन और ऑल आउट नहीं, यहाँ पे 9 विकेट यहाँ पे गिरे रहे। और यहाँ पर कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने एक बार फिर शतक जड़ा। इस खिलाड़ी का डोमेस्टिक में फॉर्म शानदार रहा है, लगातार रन कर रहा है और इंग्लैंड के अगेंस्ट का नाम था। लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बांग्लादेश की टीम में भी इनका प्लेइंग 11 में भी नाम हो, इनका कैलिबर टेस्ट हो, क्योंकि इस टाइम पे भारतीय टीम कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है। हनुमा विहारी का फॉर्म यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नहीं चल रहा है, जिनके रहाणे आपके पास नहीं है, तो आपको चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज जो पुजारा और विराट कोहली के बाद थोड़े से इनिंग्स को स्टेबिलिटी दे और एक तरफ से खड़े रह के रन करते रहे। तो उस इन सब नामों में सबसे ऊपर जिस खिलाड़ी का नाम आता है, उस खिलाड़ी का नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। ये कमान भी संभाल रहे हैं भारत ए की। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल, जिनका फॉर्म भी शानदार रहा था, वो ज्यादा कुछ खास कुछ कर नहीं पाए, 12 रन पे उन्होंने अपना विकेट गवाया। फिर श्रीकर भारत, इनका नाम भी था इंग्लैंड वाली स्क्वाड में, इनको भी डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। इन्होंने अच्छी पारी खेली थी जब इंडिया ए की यहां पर जब प्रैक्टिस टीम खेलने गई थी इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 70-80 कुछ रन मारे थे। और इन्होंने यहां पर भी अच्छी पारी खेलते हुए 77 रन बनाए। उसके बाद जयंत यादव ने 83 रन की पारी खेली। पुजारा है यहां पर फॉर्म में वापसी करते हुए, 52 रन की उन्होंने पारी खेली। जयेश धूल कुछ खास कर नहीं पाए। उसके अलावा सौरभ कुमार 55 रन 39 गेंदों में तेज यहां पे बल्लेबाजी करी, इनका भी नाम यहां पे टेस्ट टीम में आया है और रविंद्र जडेजा की जगह यहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और काफी हद तक अच्छी बैटिंग भी की है, क्योंकि आपको चाहिए रविंद्र जडेजा जैसा एक ऐसा ऑलराउंडर जो नीचे आके इनिंग्स को स्टेबिलिटी दे और टैलेंट के साथ बल्लेबाजी करना जानता हो। तो उस लिहाज से सौरभ कुमार एक अच्छा नाम निकल के आता है। और यहां पे एंड में सबको सरप्राइज किया नवदीप सैनी की हिटिंग ने, उन्होंने भी 50 रन पारे और शतक की अपनी पारी खेली, 68 गेंदों में 2 छक्के भी लगाए। तो पता लगता है कि हर एक बल्लेबाज ने कंट्रीब्यूट करा इस 562 रन के विशाल इस टोटल में, और उसके 252 रन बनाए थे बांग्लादेश ने। और अब मैं दोबारा अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की बैटिंग की, जब दोबारा यहां पे न्योता मिला बांग्लादेशी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का, वो एक बार फिर फेल हुए और 187 पे ऑल आउट हो गए, जहां पर शादमान इस्लाम ने 93 रन खेले। बाकी ऐसा कोई बल्लेबाज था ही नहीं जो ज्यादा कुछ खास बल्लेबाजी करे और थोड़ा सा फाइट करे अपनी टीम के लिए। यहां पे इंडियन की जो बॉलिंग थी वो पूरी डोमिनेट करते नजर आई भारतीय इस बांग्लादेशी बल्लेबाजी लाइनअप में। सौरभ कुमार यहां पे स्टार ऑफ द बॉल थे, उन्होंने 6 विकेट निकाले। नवदीप सैनी ने 2 विकेट और उमेश यादव ने 2 विकेट। तो पता लगता है कि क्या कुछ पोटेंशियल लेके आ रहे हैं भारतीय टीम के यहां पे यंगस्टर्स। चाहे मैं नवदीप सैनी की बात करूं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टूर में शानदार प्रदर्शन किया था पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में गई थी भारतीय टीम। उसके बाद सौरभ कुमार, पहले आपने बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट किया, फिर गेंदबाजी से 6 विकेट निकाले। तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो
दो रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं टेस्ट स्क्वाड में, काफी हद तक अच्छी परफॉर्म में है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो कि नवदीप सैनी को कैसे टैकल करेंगे। भले ही नवदीप सैनी की अगर मैं बात करूँ तो बीमर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं कि अपनी बीमर गेंदबाजी के लिए कि इनकी फुल टॉस गेंद आती है एकदम तेज से छाती की तरफ और तेज गेंदबाजी करते हैं, ऐसा गेंदबाजी आपको लगातार 148-147 किलोमीटर के आसपास गेंदबाजी करके दे सकता है, आपको लंबे स्पेल डाल के दे सकता है, लंबे गेंदबाज भी है। यहाँ पे हम वनडे सीरीज तो गवा चुके हैं, भारतीय टीम चाहेगी अपनी अच्छी टॉप स्क्वाड के साथ यहाँ पे टेस्ट टीम में टेस्ट सीरीज में अपना जवाब दे और टेस्ट सीरीज अपने नाम करे, क्योंकि यही टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज हारते हैं तो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का जो सपना है वो भी टूट जाएगा। साथ ही में यहाँ पर थोड़ा दबाव हुआ केएल राहुल के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पर कप्तानी सौंपेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जा चुके हैं मुंबई अपनी थंब इंजरी को लेकर। अब यहाँ पर दबाव केएल राहुल पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो बतौर कप्तान प्रूव नहीं करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर सिलेक्टर्स फोर्स हो जाएंगे, जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी वो फोर्स करेगी अपने आप को कि आप नया कप्तान कंसीडर कीजिए। जसप्रीत बुमराह की वापसी जल्द से जल्द होगी और आप कौन सा ऐसा उपकप्तान हो क्या दोबारा से ऋषभ पंत की तरफ देखेंगे बतौर कप्तान, क्योंकि टी20 में तो ऐसा कुछ खास अपना जवाब छोड़ नहीं पाए। इंडियन सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट चाहेंगे कि ऋषभ पंत टेस्ट टीम में बतौर कप्तान एक अच्छा प्रदर्शन दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।